दोस्तों सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या फिर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इन सभी के बारे में तो यार आपने जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी डोमेन में सुना होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आता ना सवाल निकल के क्वांटम एज अ सर्विस, तो यहां पर आप जो है हो जाते हो अक्सर कंफ्यूज कि यार ये क्वांटम एग्जैक्टली क्या है और इसका क्या मतलब है और क्यों एज अ सर्विस इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आज आप वीडियो आकर तक देखते रहिए, मैं आपसे बात करूंगा यहां पर क्वांटम कंप्यूटिंग एज अ सर्विस के बारे में। और दोस्तों यहां पर आज हम इसके बारे में सीखेंगे और दोस्तों यहां पर इसके कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। जो भी चीज हम यहाँ पर अगर हमारे पास ज्यादा है तो हम उसको सर्विस की तरह भी यूज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट समझाऊं तो सबसे पहले हमें जो है एज अ सर्विस इस पूरी टर्म का मतलब समझना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ ना सर्वर की, यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ क्लाउड स्टोरेज की। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास क्लाउड स्टोरेज कोई क्लाउड यानी कि कोई बादल के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो कंपनीज है, आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर होते हैं प्रेजेंट सर्वर। जो सर्वर होते हैं बेसिकली उन्हीं सर्वर को आप यूज करते हो। दोस्तों यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि आप जो है एक क्लाउड सर्विस को यूज कर रहे हो। अब यहाँ पर जो क्लाउड का मतलब है, क्लाउड का मतलब वो इंटरनेट कनेक्शन है कि आपके पास वो दूर कहीं कंपनी हो, दोस्तों वहां से उन कंपनी के अंदर प्रेजेंट सर्वर्स को आप अपने मोबाइल फोन या अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप उन पे यूज कर पाते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास जो कंप्लीट मेन फंडा है ना, वो ये निकल के आता है कि आपके पास यहाँ पर जो भी चीज ज्यादा है, यानी कि आपके पास जो भी चीज यहाँ पर काफी बड़े स्केल पर है, तो दोस्तों आप जो है उसको एज अ सर्विस यूज करोगे और दोस्तों यहाँ पर उससे जो है कुछ पैसे कमा लोगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो कंपनीज है बेसिकली इसी तरीके से करती है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर बात करता हूँ गूगल की, यहाँ पर आपसे बात करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर की, यहाँ पर आपसे बात करता हूँ मैं अमेज़न की। तो दोस्तों ये जो सारी कंपनीज है ये इसी तरीके से करती है। दोस्तों यहाँ पर इनके पास जो सर्वर है बेसिकली वो बहुत ही बड़े स्केल पर है और दोस्तों यहाँ पर उन्हीं सर्वर को ये यहाँ पर यूज करती है, यूटिलाइज करती है उन क्लाउड सर्वर, उन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, यानी फिर मान लो छोटे बिजनेसेस हैं या फिर मान लो आपके पास छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको देकर ताकि वो जो है इनको यूज करें और बदले में जो है कुछ पैसे इनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एक सिंपल सा फंडा कि यहाँ पर जो कंप्लीट सर्विस है उनको हम क्यों एज अ सर्विस यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो चीज ज्यादा है और जो चीज ज्यादा है वो हम यहाँ पर एज अ सर्विस यूज करते हैं, दोस्तों उससे जो है कुछ पैसे कमा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ ना इस क्वांटम एज अ सर्विस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर अभी क्वांटम कंप्यूटर को हम जानते हैं कि यार कुछ सालों बाद जो है वो यहाँ पर आएगा या फिर मान लो फ्यूचर में आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि गूगल और आईबीएम ने जो है वो अपने इंप्लीमेंट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन ने इस क्वांटम कंप्यूटर को। और दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात मजे की यह है कि यहाँ पर जो है आपके पास ये जो क्वांटम कंप्यूटर बेसिकली ये अल्ट्रा फास्ट स्पीड में काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके पास पहले मेनफ्रेम कंप्यूटर थे, सुपर कंप्यूटर थे, लेकिन दोस्तों उनसे भी ज्यादा यहाँ पर काफी काफी तेज स्पीड के साथ में जो है यहाँ पर ये क्वांटम कंप्यूटर काम करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये क्यूब बिट बेस्ड जो है यहाँ पर कंप्यूटर्स हैं और दोस्तों यहाँ पर ये बाइनरी नंबर्स के ऊपर जो है यहाँ पर कंप्लीट कैलकुलेशंस करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर कोई फिजिकली आपके पास हार्ड ड्राइव नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप इसको एज अ सर्विस यूज कर सकते हो। जिस तरीके से आपके पास सर्वर्स हैं, सो सर्वर्स को जो आपके यूजर्स हैं, जो आपके यहाँ पर कस्टमर्स हैं, या फिर मान लो जो भी जिसको भी आपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रखी है वो वहां पर रिमोटली यूज कर रहे हैं, इसी तरीके से इसका भी फंडा है। दोस्तों यहाँ पर जो आपके पास क्वांटम कंप्यूटर्स हैं उनको भी जो है यहाँ पर अपने आपके यूजर्स, आपके कस्टमर्स या फिर आपके क्लाइंट जो है वो रिमोटली यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और यहाँ पर जो है ये अपना काम प्रिसाइजली कंप्लीट कर सकते हैं जो भी उनको काम है, यानी कि उनका काम भी बन गया और आपका काम भी जो है यहाँ पर बन गया, यानी कि आपको भी जो है पैसे मिल गए। अब दोस्तों यहाँ पर उन सर्विसेज को आप प्रोवाइड करो तो सर्विसेज जो है यहाँ पर फ्री नहीं होती, कुछ सर्विसेज जो है यहाँ पर फ्री होती नहीं, कुछ सर्विसेज जो है उनके आप यहाँ पर कंप्लीट पैसे चार्ज करते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल जो आपके पास सिक्योरिटी है वो एक बड़ा कंसर्न है। दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो के अंदर सिक्योरिटी के बारे में जो है वो हमेशा बात करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में भी मैंने सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में बात की, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ही इंटरनेट के ऊपर सिक्योरिटी है, क्योंकि दोस्तों सिक्योरिटी अगर नहीं है तो फिर क्लाउड लेने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अब दोस्तों यहां पर मैं आपसे बात करता हूं ना इस क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो दोस्तों यहां पर क्लाउड कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो तो काफी काफी पुराना है, लेकिन दोस्तों यहां पर जो इंप्लीमेंटेशन है वो यहां पर कुछ सालों पहले जो है वो यहां पर हुई है। लेकिन दोस्तों यहां पर हमारे पास ओवरऑल बात कर रहा हूं ना अगर मैं यहां पर क्वांटम कंप्यूटिंग एज अ सर्विस के बारे में, तो काफी कमाल की सर्विस रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जैसे हम जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होती है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होती है और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होती है,
छोटी है। तो ये अलग अलग सर्विस है दोस्तों जिनको जो है वो कंपनीज यूज जो है वो प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। और दोस्तों यहाँ पर आपके पास मान लो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं या फिर मान लो आपके पास कुछ एप्लीकेशन हैं जो कि आप स्केलेबल एप्लीकेशन जो है स्केलेबल सर्वर के ऊपर जो है वो कर सकते हो ताकि आप जो है अपने एप्लीकेशन स्केलेबल रख सको और आप जो है यहाँ पर मशीन लर्निंग मॉडल्स को जो कि एज अ प्रोजेक्ट जो है आपका यहाँ पर आप उसके अंदर डिप्लॉय कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप जो है बहुत सारी चीजें क्लाउड पर कर सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको उनकी सर्विसेज को लेना पड़ता है। दोस्तों अगर मैं आपके यहाँ पर टॉप क्लाउड्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एजर और AWS यानी कि Amazon Web Services जो है वो यहाँ पर निकल के आ जाते हैं। तो ओवरऑल यार बस इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझो दोस्तों, यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ओवरऑल काफी कमाल का है। दोस्तों यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग जो कि काफी काफी ज्यादा तेज स्पीड से काम करते हैं उन्हीं को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेंगे एज अ सर्विस। और दोस्तों यहाँ पर जो सर्विस है वो क्वांटम कंप्यूटिंग की प्रोवाइड करेंगे, यानी कि मान लो कि दूर कहीं किसी अलग अलग कंट्रीज के अंदर तीन यूजर्स बैठे हैं, दोस्तों यहाँ पर उन तीनों को जो है क्वांटम कंप्यूटर की सर्विस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यानी कि आपके पास रिमोटली जो है वो सर्वर को यूज कर सकते हैं जहां पर आपके पास क्वांटम कंप्यूटर है। और दोस्तों ऐसे उनका भी काम बन जाएगा और दोस्तों आपका भी जो है वो यहाँ पर काम बन जाएगा और उसके बदले में जो है आपको यहाँ पर पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी क्वांटम एज अ सर्विस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपकी रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।